जब भी हमारे पड़ोसी देशों से अगर चीन के संबंध अच्छे होते हैं तो वो हमारे लिए चिंता का कारण बन जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि नेपाल से देख लीजिए, फिर चाहे पाकिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान तो पूरी तरह से चीन के जाकर गोदी में बैठ चुका है। तो ये आर्टिकल आपका पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए और चीन के संबंध को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। तो देखते हैं क्यों हमारे लिए चिंता का कारण है और क्या इन दोनों के बीच खिचड़ी पक रही है। तो हाल ही में चीन ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है। यह चीन द्वारा किसी देश के लिए बनाया गया सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धपोत है। एक बार आप लोग मैप्स में चलिए, देखिए हमारी स्थिति यह है, ठीक है, एशिया में हम लोग यहाँ है, ये श्रीलंका है। आज आप जान रहे हैं कि जो नई सरकार है उसका झुकाव चीन की तरफ कुछ ज्यादा है, हमारी तरफ कम है, ठीक है, इस बात को आप भी जानते हैं। बांग्लादेश में आप देख रहे हैं कि चीन बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी तादाद में आप कह सकते हैं कि परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है। फिर आप नेपाल में देख सकते हैं कि अभी नेपाल के जो राष्ट्र प्रमुख हैं यानी कि प्रधानमंत्री साहब हैं, उन्होंने जिस तरह से भाषण दिए, जिस तरह से भारत पर कटाक्ष किया है, ये चीनी भाषा में बोल रहे थे। एक तरह से कहिए कि चीन जो बोलना चाह रहा था वो नेपाल बोल रहा था। तो यहाँ का मामला हो गया, यहाँ भी हमारी लगभग बुराई ही चल रही है। और बांग्लादेश को आपने देखा है कि एनआरसी और सीए के विरोध में यहाँ भी कुछ खास संबंध अच्छे नहीं है। फिर आप देखेंगे चीन से हमारे वैसे ही झड़प बनी हुई है। यहाँ आप अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए, फिर चाहे आप लोग देखेंगे लद्दाख में अभी जिस तरह से झड़प हुई। अब आता है पाकिस्तान का नंबर, पाकिस्तान को देख रहे हैं कि पाकिस्तान भी अपनी हरकतों से बाज कभी नहीं आता है, हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है, फिर भी वो अपना काम करता रहता है। आप इतना मान लीजिए कि अगर चीन इस तरह से इस तरफ से हमारे ऊपर हमला करता है तो पाकिस्तान उसका साथ देगा, इसमें कोई दोहराव नहीं है। क्योंकि आपने देखा है जैसे ही झड़प हुई थी पाकिस्तान ने पीओके वाले हिस्से में अपने सैनिक बढ़ाना शुरू कर दी थी। तो हम एक तरफ से आप सोचिए कि इस तरफ से घिरे हुए हैं और चीन चाह रहा है कि इस तरफ से भी पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को सैन्य शक्ति में तब्दील करके उसे भी खड़ा कर दे भारत के खिलाफ। तो देखते हैं आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है। यह युद्धपोत जो पाकिस्तानी सैनिकों के लिए दिया गया है उन पर चार सबसे उन्नत नौसैनिक युद्धपोतों में से एक है जो चीन द्वारा पाकिस्तान की नौसेना के लिए तैयार किया गया है। आप सोचिए अगर चीन का कोई एक तरह से फायदा नहीं निकल रहा होता तो चीन कभी मदद नहीं करता पाकिस्तान की इस तरह की युद्धपोतों से, क्योंकि आप भी जानते हैं कि चीन का काम एक उस साहूकार की तरह है जो अपने फायदे के लिए काम करता है, उसे मानव धर्म से कुछ भी नहीं लेना देना, ना किसी देश के हित में सोचता है, केवल अपने बारे में सोचता है। ध्यातव्य है कि पाकिस्तान ने चीन की एक कंपनी चाइना शिप बिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड सीएसटीसी के साथ टाइप 054 सैनिक के उपकरणों को खरीदने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे। सन 2021 तक पाकिस्तान की नौसेना में सैनिक के तीन और युद्धपोत शामिल हो जाएंगे। कितने? तीन और युद्धपोत शामिल हो जाएंगे। आखिर है क्या है? टाइप 054 सैनिक का युद्धपोत है क्या? नवीनतम सतही हथियारों, एंटी एयर हथियार प्रणाली, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और सेंसर आदि से लैस टाइप 054 सैनिक का यह युद्धपोत पाकिस्तान नौसेना के पास उपलब्ध तकनीक के रूप से उन्नत युद्धपोतों में से एक होगा, यानी कि अच्छी क्वालिटी का होगा। अगर विशेषज्ञ मानते हैं कि टाइप 054 सैनिक युद्धपोत चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी में कारगर सबसे बेहतर युद्धपोतों में से एक है जो पाकिस्तान को दिया जा रहा है। टाइप 054A सैनिक का युद्धपोत एक मल्टी रोल वाला युद्धपोत है जिसे चीन की नौसेना के सतही बेड़े का आधार भी माना जाता है। निहितार्थ, चीन पाकिस्तान संबंधों में मजबूत की बात करें, मजबूती की, टाइप 054 सैनिक के इस युद्धपोत के लॉन्च होने से पाकिस्तान और चीन के रक्षा संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई थी। युद्ध क्षमता में वृद्धि, इस प्रकार के उन्नत युद्धपोत के अधिग्रहण से पाकिस्तानी नौसेना की सतही बेड़े की युद्धक क्षमता में काफी अधिक वृद्धि भी होगी। आप सभी लोग जानते हैं एक बात कि पाकिस्तान की जो भी सरकार चलती है वो एक तरह से कहिए कि सैनिक ही चलाते हैं, यानी कि वहां जो फैसले लेते हैं अधिकतर सैनिक हस्तक्षेप ही रहता है, सेना का जो अध्यक्ष होता है वही एक तरह से फैसले लेता है, तो इसलिए भी हमारे लिए काफी खतरा है। सैन्य निर्यात के लिए बड़ी उपलब्धि,
विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन द्वारा किसी भी विदेशी नौसेना को बेचा गया सबसे बड़ा युद्धक जहाज चीनी के सैन्य निर्यात क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत के लिए सुरक्षा चुनौती की बात करें तो वर्तमान में भारत सीमा विवादों एवं जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद चीन तथा पाकिस्तान के साथ संबंधों में तनाव का सामना कर रहा है। ये आपने देखा होगा कि अगस्त 2019 में 370 को खत्म कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया था, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपकी विधानसभा होगी, लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। और याद रखिए आने वाले 2021 की जब जनगणना होगी तब आपको बेहतर यहाँ के जो भी आंकड़े होंगे, सीटों का जो भी बंटवारा होगा, सब कुछ मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो अभी ज्यादा कुछ इसके बारे में जानकारी हमारे पास नहीं है। पाकिस्तान द्वारा चीन से इस प्रकार का उन्नत युद्धपोत खरीदना भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से काफी चिंताजनक हो सकता है। ऐसे में भारत अपने दोनों पड़ोसियों के बीच सैन्य सहयोग पर बारीकी से नजर रखेगा। देख लीजिए, भारत ये लद्दाख हो गया आपका, ये जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, नया मैप से ये आपका चीन हो गया। सबसे बड़ी गलती तो हम लोगों ने तब की है, याद रखिए तिब्बत से हमारी सीमा लगती थी, चीन से हमारी सीमा नहीं लगती थी, लेकिन देखा आपने चीन ने तिब्बत पर जैसे ही अधिकार किया उसके बाद हमारी सीमा चाइना से भी लगने लगी। तो उस समय अगर हम लोग आवाज उठाते शायद तो आज के हमें ये दिन देखने ना पड़े। यहाँ अफगानिस्तान से हमारी सीमा लगती है थोड़ी ही, और ये पाकिस्तान है उसका। राज्यों को भी आप लोग क्रम से याद रख लीजिए क्योंकि कई बार लगाने के लिए आ जाता है, क्रम में पूछ लेता है कि किस राज्य की सीमा कितने राज्यों से छुपती है, तो इन्हें भी आप लोग बड़ी अच्छे से याद रख लीजिए। अब बात करते हैं चीन पाकिस्तान सैन्य संबंधों की। तो बीते 2 दशकों में चीन और तुर्की के साथ पाकिस्तान के सैन्य संबंध में ने एक नया आयाम प्राप्त किया है। पाकिस्तान के साथ दोनों देशों के संबंध में सैन्य उपकरण आदि के अंदर में आ गए। तुर्की भी तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान का साथ देता है, चीन के आपने देखा है जम्मू कश्मीर के मामले में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ भी दिया है। चीन पाकिस्तान के प्राथमिक रक्षा साझेदारों में से रहा है और आंकड़ों के अनुसार चीन वर्ष 2008 से 2012 के बीच पाकिस्तान की रक्षा आयात भंडार में तकरीबन 70% का योगदान दिया है। कितना? 70% का। पिछले दशक में चीन और पाकिस्तान के सैन्य संबंध और अधिक मजबूत हुए। इन्हीं संबंधों का परिणाम है कि चीन और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से उन्नत लड़ाकू क्षमताओं के साथ विकसित JF-17 मल्टीरोल लड़ाकू विमान के नए संस्करण ने दिसंबर 2019 में अपनी पहली उड़ान भी भरी थी। चीन ने वर्ष 2008 में पाकिस्तान को घातक एक 100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की पहली इकाई भी बेची थी। किसे? पाकिस्तान को। अब बात करते हैं भारत के लिए गंभीर खतरा क्यों है। क्योंकि गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद से दोनों देशों के संबंध में तनाव काफी बढ़ गया है। वही पाकिस्तान के साथ तो भारत के संबंधों में पहले से ही तनाव मौजूद है। ये गलवान घाटी आप सोचिए लद्दाख की बात की जा रही है, ठीक है, जहां अभी आपने देखा था झड़प हुई थी, हमारे 20 सैनिक शहीद भी हुए। भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव बीते दिनों तक देखने को मिला था और जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति की पहली वर्षगांठ पर चीन ने पाकिस्तान का साथ देते हुए न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया था। ऐसे में चीन और पाकिस्तान के बढ़ते सैन्य संबंध भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से एक गंभीर खतरा बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यक यही है कि सरकार चीनी सैन्य क्षमताओं का निरंतर मूल्यांकन करे और उसी के अनुसार अपनी प्रतिक्रियाओं को आकार दे। साथ ही सरकार को सतर्क रहने की भी जरूरत है। और देखिए एक लास्ट टाइम आप भी जानते हैं कि दो व्यक्तियों में भी अगर लड़ाई होती है तो लास्ट में क्या निष्कर्ष निकलता है कि दोनों में समझौता होता है। तो इसी तरह हमें आक्रामक की नीति को ना अपनाते हुए एक तरह से संबंध सुधारने की बात भी करनी चाहिए। क्योंकि कितने भी आप सोचिए कि कितने भी बुरे संबंध हो जाए लेकिन एक समय हमें सुधारना ही पड़ेगा क्योंकि ये हमारे पड़ोसी देश है। और अटल बिहारी वाजपेयी की आपको वो उक्ति तो मालूम होगा कि दोस्ती बदली जा सकती है लेकिन पड़ोसियों को नहीं बदला जा सकता। ऐसा नहीं है कि हम पड़ोसियों को उठा के अफ्रीका महाद्वीप में फेंक दें, ठीक है, तो इनसे अच्छा और बेहतर है कि इन्हें अपने साथ लेकर चलें। चलिए, जो भी अपडेट होगा आगे हम लोग बात करते रहेंगे।